नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि आपके घुटनों, कोलों और हाथ या किसी अन्य जोड़ पर किसी भी तरह का दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको गठिया की परेशानी हो सकती है। गठिया रोग में लोगों को इतना भयानक दर्द होता है कि वह बेचैन हो जाते हैं। इस रोग में चलने फिरने और उठने बैठने में अत्यधिक परेशानी का सामना हो सकता है। आज के समय में यह जो है बहुत ही आम बीमारी हो गई है और किसी भी प्रकार से हो सकती है। सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो अगर आपके एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द व सूजन रहती है तो आप गठिया रोग से पीड़ित हो सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गठिया रोग के लक्षण क्या क्या है। दोस्तों घुटनों में दर्द या सूजन महसूस हो, इसके अलावा जोड़ों में थोड़ा दर्द या अकड़न हो, आपके उंगलियों के जोड़ों में दर्द हो, कंधों में दर्द का एहसास होना, ये सब गठिया के लक्षण। गठिया की बीमारी में जो परेशानी होती है इतनी ज्यादा हो जाती है कि शरीर के जोड़ों को छूने भर से भी दर्द का एहसास होने लगता है और गठिया का रोग जो होता है वह लगभग 70-80 से भी ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। तो गठिया के रोगों के घरेलू उपचार जानने से पहले हम जान लेते हैं गठिया का कारण क्या है। दोस्तों गठिया जो है वो शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण होता है। यूरिक एसिड एक तरह का विषैला पदार्थ होता है जिससे शरीर मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इस प्रक्रिया को करने में किडनी जो होती है वह प्रमुख भूमिका निभाती है, लेकिन जब किडनी अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाती तब यह पदार्थ शरीर में ही इकट्ठा होने लगता है और यह जोड़ों में जाकर दर्द का कारण बनता है। और वैसे कई बार यह रोग जो है वो अनुवांशिक भी होता है, यानी कि परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य में जाता है। अब जान लेते हैं गठिया रोग के कुछ घरेलू उपचार या घरेलू नुस्खे। दोस्तों गठिया रोग होने पर आप अपने जोड़ों पर सरसों का तेल और प्याज का रस मिलाकर मालिश करें, इससे काफी आराम मिलता है। इसके अलावा आप अश्वगंधा, सूखा आंवला समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। रात को सोते समय यह एक चम्मच चूर्ण गर्म दूध या फिर गर्म पानी से कुछ दिनों तक पिएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो गठिया से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा लहसुन को पीसकर तिल के तेल में मिलाकर आप इसको थोड़ा गर्म कर लें और इस तेल से मालिश करें, इससे भी काफी आराम प्राप्त होता है। गठिया के रोग में आपको रोजाना 2 चम्मच मेथी का पिसा हुआ जो चूर्ण होता है उसे गर्म पानी में मिलाकर कुछ दिनों तक लगातार लेना चाहिए, इससे काफी लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा मालिश करने के लिए भी आप प्याज का रस और राई का तेल समान मात्रा में मिलाकर मालिश कर सकते हैं, इससे भी आराम प्राप्त होता है। दोस्तों गठिया रोग में आपको मछली का तेल का सेवन करना चाहिए। मछली के तेल में ओमेगा-3 एसिड होता है जो दर्द को बहुत ही जल्दी कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप 1 से 2 चम्मच मछली का तेल अपनी रोजाना की डाइट में अवश्य शामिल करें। खाली पेट मछली का तेल लेने से शरीर में जकड़न की जो परेशानी होती है आप इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चेरी का सेवन करना चाहिए। चेरी जो होती है वो मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है और जो मैग्नीशियम और पोटेशियम है ये दोनों ही गठिया के रोग को दूर करने में मदद करते हैं। पोटेशियम सूजन दूर करता है और मैग्नीशियम दर्द को दूर करने में सहायता करता है। इसके लिए आप रोजाना 8 से 10 चेरी का सेवन करें। इसके अलावा आप चाहें तो चेरी का सिरप भी पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप बर्तन में थोड़ा पानी गर्म कर लें और इसमें चेरी डालकर उबलने दें। इसे तब तक उबालें जब तक एक मीठा सिरप ना बन जाए। इसे रोज कुछ महीने तक पिए, इससे आपको फर्क अवश्य पड़ेगा। दोस्तों गठिया रोग में लहसुन भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है। गठिया की परेशानी को लहसुन बहुत ही जल्दी कम करता है। इसके लिए आप लहसुन की कलियों को 1 गिलास दूध में डालकर उबाल लें और कुछ देर बाद उबालने के बाद आप इसे ठंडा कर लें और पिए, इससे काफी आराम मिलता है। इसके अलावा कपूर में लहसुन का रस मिलाएं और इस मिक्सचर से आप दर्द वाली जगह पर मालिश करें, आपको काफी आराम प्राप्त होगा। इसके लिए कुछ अन्य बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आपको पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, जहां तक हो सके अपने वजन पर कंट्रोल रखें, आप विटामिन सी से युक्त भोजनों का अधिक से अधिक सेवन करें और साथ ही फाइबर युक्त भोजन जैसे कि दलिया, बाजरा, ब्राउन ब्रेड और फाइबर बिस्किट का सेवन करें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।